प्रश्न एक, निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सभी माप मीटर में है। तो पहले हम आकृति को बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो यहाँ पे है ए, बी, ई और डी। ए बी ई डी क्या है? एक आयत है, क्योंकि इसका सभी कोण 90 डिग्री है। देखिए सभी कोण क्या है, 90 डिग्री है, इस तरह से दिया हुआ है। और ये जो भुजा है ये है 250 मीटर, सब मीटर में है यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में। और ये भुजा है 150 मीटर, तो लंबाई हो गया 250 मीटर और चौड़ाई हो गया 150 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयत ए बी डी ई का, ए बी डी ई का आयत, ए बी डी ई का हम लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लंबाई हो गया 250 मीटर और चौड़ाई हो गया 150 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए एक त्रिभुज है इस तरह बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से इधर इस तरह है, उसके बाद यहाँ से इसको मिला देंगे। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो भुजा है देखिए BC है 90 मीटर, ये 90 मीटर है, और ये है भुजा 180 मीटर, यानी DC जो है, या CD कह सकते हैं इसको, तो CD कितना है 180 मीटर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ आया है और इसको इसको मिला देना है यहाँ पे इस तरह से। तो यहां से यहां तक दिया हुआ है 40, देखिए ये कितना दिया हुआ है 40। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो एक आयत हो गया बीच में है, ए बी डी ई एक आयत हो गया जिसका की लंबाई है 250 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर। और एक त्रिभुज है यानी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है जिसका कि BC भुजा 90 मीटर है और CD भुजा 180 मीटर है। और इस त्रिभुज में त्रिभुज AEF, यहाँ पे F है, तो AEF में, AEF त्रिभुज एफ ए ई भी कह सकते हैं इसको, तो त्रिभुज एफ ए ई में 250 मीटर है, देखिए ए ई, और यहाँ पे इसका ऊंचाई है 40 मीटर, देखिए इसका ऊंचाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दिया हुआ है 250 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर। और इस त्रिभुज में त्रिभुज BCD में आधार दिया हुआ है 180 मीटर और ऊंचाई देखिए 90 मीटर, ये लंब है इस पे, ठीक है। DC पे BC लंब है, इसका मतलब हुआ ये ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज का, BC ऊंचाई हो गया और DC क्या हो गया लंब, ये आधार, DC आधार हो गया और BC ऊंचाई हो गया, क्योंकि BC DC पे लंब है। तो एक को आधार मान लेंगे तो दूसरा ऊंचाई हो जाएगा, अगर हम BC को आधार माने तो DC क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार हो गया 180, ऊंचाई हो गया 90, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। फिर इस त्रिभुज का, त्रिभुज AFE का भी हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और फिर आयत ABDE का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई से। तो अब हम एक एक करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे। देखिए पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस आयत का, फिर इस त्रिभुज का, फिर तीनों को जोड़ देंगे, तो ये आकृति जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले
त्रिभुज, त्रिभुज एफ ए ई, एफ ए ई का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एफ ए ई का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र क्या होता है, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज एफ ए ई का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए त्रिभुज एफ ए ई, त्रिभुज है यहाँ पे एफ ए ई, देखिए तीन भुजा है एफ ए ई और एफ ई, तीन भुजा है इसमें, तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखिए एफ ए ई यानी इस त्रिभुज का, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी एक बटा दो गुना आधार, आधार यहाँ पे है ए ई, देखिए आधार है ए ई और शीर्ष से एक लंब खींचा हुआ है ए ई पे, तो ये हो गया ऊंचाई, तो आधार हो गया ए ई, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए ई गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो गया, देखिए ऊंचाई को हम, ऊंचाई कितना है इसका नाम नहीं दिया हुआ है तो बस 40 लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एम दे देते हैं, तो एफ एम हो गया ऊंचाई, देखिए एफ एम क्या हो गया ऊंचाई, तो एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई यानी एफ एम, तो एक बटा दो गुना ए ई कितना है, तो ए ई दिया हुआ है 250 और एफ एम है 40, तो आधार दिया हुआ है 250 और एफ एम कितना है 40 है, अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 20 कट गया, 20 दूना 40 यानी कितना आ गया 25 दूना 50, एक शून्य यहाँ पे है एक शून्य यहाँ पे है, तो हो गया 5000 वर्ग मीटर, मीटर में सब दिया हुआ था, तो 5000 वर्ग मीटर हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 5000 वर्ग मीटर, ठीक है, त्रिभुज एफ ए ई का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, अब हम आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पे कौन है, जो ज़्यादा होता है उसको लंबाई कहते हैं, तो ए ई लंबाई है, देखिए आयत ए बी डी ई में ए ई लंबाई हो गया या बी डी लंबाई हो गया, तो ए ई दिया हुआ है 250 और चौड़ाई ए बी हो गया 150, तो लंबाई हो गया ए ई, चौड़ाई हो गया ए बी, ठीक है, तो ए ई कितना दिया हुआ है 250, ए बी है 150, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करने पे, इसको गुना करने पे आ जाएगा, देखिए 15 पचे 75 हाथ में रहा 7 और 15 दूना 30, 30 7 37, तो 15 दूना 30 7 37, तो 25 गुना 15 करने पे कितना है 375, अब यहाँ पे भी शून्य है यहाँ भी शून्य है, तो 2 शून्य दे देंगे इस पे, यानी आ गया 37500 वर्ग मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकल चुका है 37500 वर्ग मीटर। अब तो चित्र में देखिए आयत का क्षेत्रफल निकल गया है, अब इस त्रिभुज का निकालेंगे, त्रिभुज बी सी डी का, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी का
क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार। तो आधार यहाँ पे अगर हम आधार अगर सी डी को लेते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा बी सी, ठीक है। अगर आधार हम सी डी को लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में देखिए, आधार अगर सी डी को लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? बी सी। अगर आधार बी सी को लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा सी डी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर लंब है बी सी और सी डी। तो 1/2 गुना सी डी कितना दिया हुआ है? 180 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 180। बी सी कितना दिया हुआ है? 90 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 × 18 यानी 90 × 180, इसको काट लेंगे तो कितना आ गया? 9 × 81 और 1 0 है 1 0 है, तो 2 0 यहाँ पे दे देंगे यानी 8100 वर्ग मीटर, 8100 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है 8100 वर्ग मीटर। तो अब तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है, अब तीनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे अतः आकृति का क्षेत्रफल, तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, देखिए तो त्रिभुज एफ ए का क्षेत्रफल कितना आया था? 5000 वर्ग मीटर जोड़ आयत का क्षेत्रफल कितना आया था? 37500 वर्ग मीटर और एक और त्रिभुज का कितना आया है? 8100। वर्ग मीटर। तो तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, इसका, इस त्रिभुज का, इस आयत का और इस त्रिभुज का, तो ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000, 37500 और 8100। देखिए 0 0 0 0 लिखेंगे, फिर दूसरा में 0 0 0 फिर 0 लिखेंगे, तीसरा नंबर पे 0 5 और 1 6 यानी 6 हो जाएगा, चौथा नंबर पे है 5 7 5 12 12 8 20, फिर 0 होगा, फिर 3 2 5 यानी 50600 वर्ग मीटर। तो आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया? 50600 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, तो वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर का घात 2। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए मीटर लिखा हुआ था प्रश्न में, इसलिए हम हिंदी में लिखे हैं, आप चाहें तो एम का घात 2 यानी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका उत्तर? 50600 वर्ग मीटर। तो इस तरह प्रश्न पहला हल करेंगे।